हाँ जी, आज के टॉपिक में बच्चों हेडिंग बना लीजिए, हाउ अ कंपनी इश्यूज शेयर्स। आइए बेटा देखिए, सुनिए मेरी बात। ये एक कंपनी है और ये कंपनी कहती है कि हमने शेयर इशू करने हैं और हमने हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है कुछ 10,000 शेयर्स की, कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 10,000 शेयर इशू कर सकती है, ऑथराइज्ड नॉमिनल रजिस्टर्ड, तीनों बात एक ही मतलब है। लेकिन कंपनी कहती है अभी फिलहाल तो भैया हम इशू करने जा रहे हैं इसमें से मात्र 1,000 शेयर्स। हमारा शेयर 10 रुपए का है और हम सारा पैसा आपसे इकट्ठा नहीं मांगना चाहते ताकि आप पर कोई जोर ना पड़े। हम कहते हैं आप इस 10 में से ना अभी तो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए भिजवा दो ताकि आपकी एप्लीकेशन लगा दें हम। ठीक है, फॉर्म फिल करो जी, फॉर्म फिल करो और जितने शेयर्स में आप इंटरेस्टेड हैं 3 रुपए पर शेयर भेज दो। हालांकि शेयर 10 रुपए का है पर 3 रुपए पर शेयर भेज दो अभी तो, फिर हम बताएंगे कि हम आपको शेयर दे पाएंगे या नहीं। आप कहेंगे सर कमाल की बात हो गई, बताएगी कंपनी बाद में। बेटा याद करो कल एक सिचुएशन बताई थी, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कितना शेयर बेचना चाह रही है यहां पर 1,000। कंपनी ने 5 दिन के लिए आईपीओ खोला है, हम सब लोग कंपनी के पीछे पड़ गए, शेयर दो शेयर दो शेयर दो। मैंने एप्लीकेशन लगा दिया, आपने एप्लीकेशन लगा, सब लोगों ने, पूरे इंडिया ने एप्लीकेशन लगा दिया। ठीक है जी, और कंपनी के पास एप्लीकेशन पहुंच गई 1,500 शेयर्स के लिए, 2,000 शेयर्स के लिए। और सच्चाई बताऊं जो प्रैक्टिकल बात होती है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल शेयर्स 100-100 गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं जो अच्छी कंपनीज के होते हैं। ठीक है ना, 100-100 गुना, यानी कंपनी शेयर बेचना चाहती है 50,000, एप्लीकेशन पहुंच जाती है 5 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, उससे भी ज्यादा, 50 लाख शेयर्स के लिए प्रैक्टिकली हो जाता कई बार ऐसा। तो हम कहते जी, कंपनी कहती है कि अब देखो बाद में ही बताएंगे ना, अब लोग मान लो 1,500 या 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे तो कुछ लोगों को मना भी करना पड़ेगा ना भाई। तो आपने एप्लीकेशन लगाया, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको शेयर मिलेंगे और उतने मिलेंगे जितने आप चाहते हो। सकता है आपको कम मिले, हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है आपको पूरे मिले, ये डिपेंड करेगा बाद पे, अभी नहीं। ओके, तो आपने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, 3 रुपए तो मैं दे देता हूं आपको। फिर कंपनी कहती है जब कंफर्म हो जाएगा ना भाई कंफर्म, तो हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो आप दे देना तब 4 रुपए पर शेयर, तब दे देना। फिर हम आपसे 2 रुपए की एक फर्स्ट कॉल मांगेंगे बाद में, और फिर हम आपसे 1 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल आखिरी अंतिम कॉल मांगेंगे। ठीक है जी, ये आपने कहा, ये कंपनी ने आपको कहा कि जी इस तरह से हम आपसे पैसा मांगेंगे। ओके, तो इस तरह से आपसे पैसा मांगेंगे। तो ये मान लो मैं कहता हूं कि ये संयम, ये यहां पर संयम को दिखा, हाँ भाई कंपनी तो जबरदस्त है, बढ़िया है, ये लो ये संयम बना दिया मैंने यहां। ये कहता है सर कंपनी तो अच्छी है, तो क्यों ना मैं इसमें पैसे लगा दूं। ठीक है, इसने मुझे फोन किया, सर लगा दें, सर लगा दूं क्या कंपनी में, सर पैसे लगा दूं। मैंने कहा लगा दे बेटे, पैसे हैं तो लगा दे। इसने कहा सर ऐसा है, मैं इसके अंदर ना 100 शेयर में एप्लीकेशन लगा देता हूं। मैंने कहा लगा दे बेटे। तो इसको बेटा 100 शेयर्स पर
100 शेयर की इसने एप्लीकेशन लगाई, बच्चों जल्दी से मुझे लिख के बताओ इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को अभी प्रेजेंटली, अभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कितने पैसे इसको देने पड़ेंगे? 300 रुपए। राधिका कह रही है 3000 रुपए। बेटा 3000 रुपए किस लिए, क्या बात कर रही है, सारे शेयर यही थोड़ी ले रहा है बेटा, 1000 शेयर जनता ने, जनता को बेचने हैं कंपनी ने, ये तो सो ही ले रहा है। तो बेटा 100 शेयर पर 3 रुपए एप्लीकेशन के तो पैसे देगा ना ये वाले, तो टोटल अभी कितने पैसे देगा ये कंपनी को? 300 रुपए एप्लीकेशन के साथ। अच्छा जी, कंपनी कंफर्म कर देती है, हाँ भाई साहब आपके शेयर पक्के हो गए, ले लो, ठीक है। तो कंपनी इसको कहेगी लेकिन एक काम करो, हमें अलॉटमेंट का पैसा भिजवा दो, ठीक है, मेरे को, हमको अलॉटमेंट का पैसा भिजवा दो। इसने कहा हाँ बताओ, ठीक है जी अलॉटमेंट का भिजवा देता हूं। 100 शेयर पर 4 रुपए, हाँ जी 400 रुपए, ठीक है। 100 शेयर पर 2 रुपए, हाँ जी 200 रुपए। 100 शेयर पर 1 रुपया, हाँ जी 100 रुपए। बेटा ये तो बात मैंने करी है कि संयम को कितने पैसे देने पड़ेंगे, पर हमने बात संयम पे थोड़ी करनी, हमने तो बात कंपनी के अकाउंट्स लिख रहे हैं, कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे जल्दी बताओ बच्चों। आप लोग, अगर कंपनी पूरे 1000 शेयर बेचने में काबिल हो जाती है, एबल हो जाती है और 1000 शेयर बाजार में बिक जाते हैं, तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे? ना एक शेयर भी कम, ना एक शेयर भी ज्यादा। कंपनी के पूरे 1000 शेयर बिक गए, कंपनी को एप्लीकेशन पर कितने पैसे मिल जाएंगे? तीन हजार। संयम कह रहे 10000। अरे भैया मेरे, ओ भैया मेरे, 10000 रुपए कमाल हो गई। तू तो दे रहा 300 रुपए, कंपनी को मिल जाएंगे 10000 रुपए। तू दे रहा 3 रुपए पर शेयर कंपनी को, और कंपनी बाकी सबसे सारे के सारे पैसे मांग लेगी, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, सभी लोग तो 3-3 रुपए देंगे, क्या बात कर दी तूने। तो 1000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से साहब जी 3000 रुपए कंपनी को मिलेंगे, समझ गए हो कि नहीं? बात सिर्फ एप्लीकेशन पे हो रही है, 3000 रुपए कंपनी को मिलेंगे एप्लीकेशन के नाम के। अब बात आती है सर जर्नल एंट्री क्या बनेगी जब ऐसा होगा। आओ बच्चों सुनो मेरी बात, कंपनी के पास पैसा पहुंचेगा, तो पहली एंट्री कंपनी के पास बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या मतलब? देखो बेटा, इसने, मैंने, तुमने, हम सब ने जितने जितने भी शेयर मांगे टोटल करके, कंपनी के पास पूरे 1000 शेयर हो गए, सबके, सब शेयर होल्डर्स के शेयर मिला के हम सब लोगों ने 3 ही रुपए तो दिए बेटा, तो कंपनी को 3000 मिले। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं होती, ठीक है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है। तो पहली एंट्री हो गई कंपनी के अकाउंट में आ गए 3000 रुपए, पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू, पैसा किस नाम का आया है? शेयर एप्लीकेशन। आप कहेंगे सर एप्लीकेशन ही लगा लो ना, शेयर क्यों? बेटा शेयर का पैसा है ना, तो वर्ड यूज होता है शेयर एप्लीकेशन, ठीक। फिर रूल नंबर, अगली बात, एंट्री नंबर 2, कंपनी कभी भी किसी भी अकाउंट का पैसा आए उसको एक कॉमन अकाउंट में ट्रांसफर करती है जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। याद करो बच्चे, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म की केस में कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप के केस में कैपिटल बोलते हैं, उस बात को कंपनी के केस में शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन का सारा पैसा कंपनी ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में, तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। पहली एंट्री की नरेशन क्या है? बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी की नरेशन क्या है? बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टुवर्ड शेयर कैपिटल। इतना लिखना सफिशिएंट, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, खत्म। कहां? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। लो जी एप्लीकेशन का काम हो गया, निपट गया। अब आ गई एंट्री नंबर 3। अब कंपनी ने सबसे एप्लीकेशन के पैसे तो ले लिए हैं, अब कंपनी सबको कह रही है हां जी भैया अब वो हो गया काम डन,
अब अपनी दूसरी किस्त ले आओ, किस बात की, अलॉटमेंट के पैसे ले आओ, तो कंपनी हम सबको एक मेल डालेगी, ठीक है, हम सबको एक मेल डाल देगी और कंपनी कहेगी भैया तुम्हारे शेयर तुम्हें दे दिए हैं, आओ अगले पैसे दे दो। तो कंपनी हमसे अलॉटमेंट ड्यू करेगी, ड्यू हम लोग ऐसे दे नहीं देंगे, हम लोग से पहले पैसा मांगा जाएगा। अब अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी मांगेगी तो कंपनी एंट्री क्या बनाएगी, सुनो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी कहेगी लाओ भाई 1000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए ले आओ, यानी कितने पैसे ले आओ, 4000। ठीक है साहब, हम सब लोगों को मेल मिलेगी, हम सब लोग बोलेंगे अच्छा जी दे देते हैं, पैसे भिजवा देते हैं। तो जिस जिस के जितने जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, जैसे संयम के 100 शेयर्स थे, तो इसने 100 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने पैसे दिए होंगे, 400। मान लीजिए मेरे पास 50 शेयर है, मैं 50 × 4 मैं कितने पैसे दूंगा कंपनी को, 200। किसी के पास 500 शेयर्स हैं, 500 × 4 वो कितने पैसे देगा कंपनी को, 2000। हम सब लोगों के मिलाकर के कंपनी के पास टोटल कितने पैसे आ जाएंगे बेटा, 4000, पूरे 1000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए, 4000। तो कंपनी एंट्री क्या बनाएगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4000। बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब एक बड़ा गोलमाल हो गया सर, आप बोले सर कुछ बात बन सी नहीं रही, क्योंकि पहली दो एंट्रीज में आपने एप्लीकेशन में तो पहली एंट्री बैंक की बना दी है और दूसरी एंट्री ट्रांसफर एंट्री बना दी है, अलॉटमेंट में आपने ऐसा करा नहीं। अलॉटमेंट पहली एंट्री आपने नॉन कैश बना दी, यानी अलॉटमेंट के ड्यू होने की, और दूसरी एंट्री आपने बैंक की बना दी है रिसीव की, ऐसे क्यों, अलॉटमेंट में पहले पैसा क्यों नहीं रिसीव कर रहे और ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे। बच्चों मेरी बात सुनो, आप एप्लीकेशन में कंपनी आपको जानती नहीं थी, आप कंपनी को जानते थे, आपने पहले एप्लीकेशन लगाई और पैसे भेजे, तब जाके कंपनी ने आपको देखा, अच्छा ये मांग रहा है शेयर इसको दे देते हैं। तो पहली एंट्री किस चीज की बनेगी, वहां पर तो ऑब्वियस है बैंक की बनेगी, आप पैसा भेजोगे एप्लीकेशन लगाओगे तभी तो कंपनी आपको कंसीडर करेगी, वहां तो पहली एंट्री बैंक की बनेगी। लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब के केसेस में आप चुप करके पैसा थोड़ी दोगे, पहले कंपनी आपसे पैसा मांगेगी तब आप कंपनी को पैसा दोगे। तो बेटा इसका मतलब बाकी सभी केसेस में सेकंड एंट्री बैंक की होगी, लेकिन एप्लीकेशन के केस में फर्स्ट एंट्री बैंक की होगी। ये डिफरेंस है दोनों में, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है। ये देखिए आप एप्लीकेशन को समझिए, एप्लीकेशन में आपने पहले बैंक में पैसा रिसीव किया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर आपने एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पर अलॉटमेंट में क्या है, आपने पहले पैसा ड्यू किया, इसको बोलते हैं ड्यू किया, आपने मतलब कंपनी ने आपसे पहले मांगा, तो कंपनी कह रही है भैया अलॉटमेंट का पैसा जिसको कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम का कह रखा है, कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन यू आर पेइंग इट, देन यू आर पेइंग इट मींस पेड कह लो, कंपनी के एंड पे कहोगे तो रिसीव कह लो, और हमने तो कंपनी के एंड पे बात करनी ना बच्चे, आप अकाउंट्स तो कंपनी के लिख रहे हो, रिसीव्ड, तो कंपनी क्या एंट्री बनाएगी, अब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो लिख दिया मैंने ऊपर, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री नंबर टू बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, तीसरी एंट्री बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, चौथी एंट्री बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन है बच्चे, चार एंट्रियां क्लियर हो गई। आओ जी पांचवी एंट्री में बात करो, फिर पांचवी एंट्री में बात करो बच्चों। अब कंपनी कहेगी सर जी फर्स्ट कॉल के पैसे भिजवा दो, फिर ये लो फर्स्ट कॉल के पैसे भिजवा दो, हम कहेंगे अच्छा जी दे देते फर्स्ट कॉल के पैसे, हम सब लोगों ने पैसे देने स्टार्ट करे,
किसी के पास 50 शेयर है वो 50 शेयर पे, किसी के पास 100 है वो 100 पे, किसी के पास 200 है 200 पे, कंपनी के पास 1000 शेयर पे 2 रुपए मिल जाएंगे, कंपनी को 2000 आ जाएंगे। आएंगे तब जब पहले कंपनी मांगेगी, आओ बेटा पहले मांगो शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी कहेगी लाओ भैया 2000 पे दे दो, 2000 बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ड्यू। हम सब लोग देंगे कंपनी को पैसा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2000। उसके बाद सर कंपनी हमसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग लेगी, ड्यू करेगी कंपनी। ये क्या है, ये कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद कंपनी कहेगी भैया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दो, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के कितने पैसे मांगेगी, 1000 शेयर पर 1 रुपए बच्चों, 1000। हम सब लोग कंपनी की बात को मानते हुए कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, हम सब लोगों ने 1000 रुपए कंपनी को दे दिया। ये लो जी, ये हो गया एंट्री नंबर 8 का काम डन। अब ये 8 एंट्रियां तो बच्चे हैं ही हैं, जब भी आपके शेयर का पैसा 4 पार्टीशन में डिवाइड है। आप कहें सर इससे ज्यादा पार्टीशन भी हो सकते हैं क्या? नहीं बेटे, आपकी बुक के अंदर इससे ज्यादा पार्टीशन का चक्कर ही नहीं है कोई। कम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बात खत्म हो सकती थी, 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होती। 2 कॉल हो सकती हैं क्या? यस, अलॉटमेंट तक में डन हो सकता है। ठीक है बच्चों, 1 एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मांग सकते हैं क्या? यस, वो भी हो सकता है। ओके, एंट्रीज उस हिसाब से ही ज्यादा, यानी पर सिचुएशन 2 एंट्रियां बननी है, पर सिचुएशन 2 एंट्रियां हमारी बननी है। अलावा इसके 2 एंट्रियां और हैं बच्चों इन 8 एंट्रीज के अलावा जो हमें आज समझनी पड़ेंगी। एंट्री टू रिकॉर्ड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। होता क्या है, कंपनी जब शेयर्स इश्यू कर रही है बच्चों, तो उस शेयर्स को इश्यू करने पे कुछ कंपनी के खर्चे हो जाते हैं कई बार। कैसा खर्चा सर? बेटा कोई मीटिंग अरेंज करनी पड़ रही है, ठीक है, शेयर इश्यू करने, वो एक सर प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा ना, प्रोस्पेक्टस के खर्चे भी तो आएंगे, स्टेशनरी वगैरह के खर्चे आएंगे, प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, मीटिंग का खर्चा और बतेरे, कोई वोटिंग है, वोटिंग के खर्चे। तो कंपनी जब शेयर शुअर इशू करती है ना बच्चों, तो शेयर पे कुछ खर्चे कंपनी के आते हैं, तो उन खर्चों का अमाउंट है मान लो 2000 रुपए। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पढ़ रखा हमने नॉमिनल अकाउंट, तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का कितना खर्चा है मैंने बोला अभी आपको 2000। तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कंपनी के बैंक अकाउंट में से पैसा चला जाएगा ना, तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस विल बी द एंट्री नंबर 9। लेकिन ये तो शायद ही हो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस तो शायद ही हो, तो होंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एक एंट्री और समझनी है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे कुछ खर्चे आते हैं बनाने पे, है ना, उसको इनकॉर्पोरेट करने पे कुछ खर्चे आते हैं, फॉर्मेशन करने पे। तो मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी शेयर, जो कंपनी बन रही है उसको बनाने में प्रमोटर्स का बड़ा योगदान है, प्रमोटर्स कंपनी के संचालक बनाने वाले, ठीक है, उन्होंने इतनी भागा दौड़ी करी कंपनी को बनाया। ओके, आप कहेंगे सर वो कंपनी से क्या पैसे वैसे लेते हैं क्या? बेटा पैसे नहीं लेते प्रमोटर्स, क्या सैलरी होती क्या? सैलरी भी नहीं होती, तो भाई इतना काम क्यों कर रहे हैं बच्चे? जो प्रमोटर्स होते हैं ना कंपनी को बनाने वाले, वो उनको कंपनी फ्री में कुछ शेयर्स दे देती है, ठीक है, सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं कि भी प्रमोटर कहेगा भाई मैंने बनाया लाओ जी मेरे को तो बहुत सारे शेयर दो, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली,
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के लिए इनकॉर्पोरेशन पर अभी ये शेयर जो था 10 रुपए का था, तो कंपनी के प्रमोटर्स को 200 शेयर दे दिए, 300 शेयर दे दिए गए मुफ्त में। कंपनी के प्रमोटर्स को 300 शेयर्स दे दिए गए 10-10 रुपए वाले मुफ्त में। तो बच्चे इसकी एंट्री क्या बनेगी अभी? इसका मतलब कंपनी को एक खर्चा लगा है, एक्सपेंस लगा है। कितने का एक्सपेंस लगा बेटा? 3000 का खर्चा है। हालांकि जेब से कंपनी का कुछ नहीं गया, जेब से कुछ नहीं गया, पर खर्चा तो हुआ ना, फ्री में शेयर दे दिए ना। तो इसकी एंट्री बनती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितना खर्चा हुआ कंपनी का? सर 3000 रुपए का। और शेयर कैपिटल कितने की क्रिएट हुई कंपनी की? 3000 रुपए की। आप कहोगे सर ये क्या किया 2 शेयर कैपिटल? बेटा जब भी कंपनी के शेयर्स इशूड होते हैं तो आप मुझे बताओ शेयर कैपिटल वहां पर क्या होती है? क्रेडिट। और दूसरी बात सुनो आप मेरी, जब भी कंपनी के शेयर इशूड होते हैं, असल में हर स्टेप पे हमारी एक कॉमन एंट्री होती है, एक कॉमन एंट्री होती है, कंपाउंड कर दिया कर तो, बैंक टू शेयर कैपिटल। आपने सर कैसे? आओ दिखाता हूं मैं कैसे। ये देखो, इधर देखो आप, ये पहली और दूसरी एंट्री का जरा समअप करो एक बार। फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री को अगर आप समअप करें, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बच्चे जरा एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काटना, क्या बन गया? बैंक टू शेयर कैपिटल। बना के नहीं बना। अब थर्ड एंड फोर्थ एंट्री को समअप करो जरा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कैंसिल, जरा बनाना बैंक टू शेयर कैपिटल। देन ऑन फर्स्ट कॉल अगेन बैंक टू शेयर कैपिटल, देन ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, अरे सर ये भी यही बन गया, शेयर सेकंड फॉल से शेयर सेकंड, तो बैंक टू शेयर कैपिटल। क्या समझ में आ रहा है? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपाउंड इफेक्ट क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चाहे पैसा एप्लीकेशन का हो, चाहे पैसा अलॉटमेंट का हो, चाहे बच्चों फर्स्ट कॉल का हो, और चाहे हो सेकंड एंड फाइनल कॉल का, एंट्री यही है। पर तब है ना जब कंपनी को शेयर होल्डर से पैसे मिलने हैं। अगर पैसे नहीं मिलने हैं, बस बैंक काट दो यहां से, प्रमोटर्स को दिए हैं तो बैंक की जगह पर क्या लिख दो? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या मैंने क्या बोला? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। बस हो गया काम। या तो कर दो डेबिट इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या डेबिट कर दो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रही बच्चों ये 10 एंट्रियां जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करी हैं कि कंपनी शेयर इशू करती है तो आखिरकार उसका प्रोसीजर क्या होता है, और ब्रेक्स में पैसा कंपनी इसलिए मांगती है ताकि शेयर होल्डर पर लोड ना पड़े और शेयर होल्डर बढ़ चढ़कर कंपनी में पार्टिसिपेट करें। और जब शेयर होल्डर बढ़ चढ़कर के कंपनी में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो कंपनी को अच्छा लगेगा, कंपनी के शेयर में जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इसलिए कंपनी क्या करती है, 10 रुपए के टुकड़े कर दिए, 100 रुपए के उसके भी टुकड़े कर दिए, यानी जितने रुपए की भी शेयर की फेस वैल्यू उसके पार्टीशन कंपनी बना देती है। ओके, अब देखो बच्चों यहां पर एक छोटी सी बात, शेयर्स जो होते हैं ना कंपनी के, वो दो तरह से इश्यूड होते हैं बच्चों, एक पार पे और दूसरा प्रीमियम पे। एक पार पे, दूसरा प्रीमियम पे। कैसे सर? बच्चों पार का मतलब होता है जब कंपनी अपना 10 रुपए वाला शेयर, मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, अगर बाजार में 10 ही रुपए में इशू करे तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। आप कहेंगे सर 10 वाली चीज 10 ही में तो देंगे और कितने में देंगे? बच्चे कई बार क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है, कंपनी अपने शेयर का प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा कर देती है। कंपनी कहती है भैया शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है पर हम देंगे तो 15 रुपए में।
शेयर होल्डर को 15 में भी बुरा नहीं लग रहा, शेयर होल्डर कहते हम तो तब भी ले लेंगे। तो ये जो 5 रुपए बढ़ाए ना कंपनी ने, एक्स्ट्रा मांगे ना जो कंपनी ने फेस वैल्यू से ऊपर, इसको बोलते हैं प्रीमियम का पैसा, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आज लेकिन हमने बात पार पे करनी है। ये देखो, जब कंपनी, इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट द प्राइस, कौन से प्राइस पर, इक्वल टू द फेस वैल्यू, कंपनी कहती है जी हमारे शेयर की फेस वैल्यू है मान लो 100 रुपए, और आप 100 वाली चीज को हम आपको कितने में दे रहे हैं, 100 ही रुपए में दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार, कि कंपनी शेयर इशू कर रही है पार पे। ये देखो बच्चों, ये रहा एक क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों, आप एग्जाम्पल नंबर बच्चों 6 पे आ जाइए। कंपनी कहती है कि एक एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है बच्चों, जिसकी अथोराइज्ड कैपिटल 10,000 शेयर्स की है, यानी पूरी लाइफ में कंपनी को परमिशन है 10,000 शेयर इशू करने की। कंपनी का शेयर कितने का बेटा, 10 रुपए का। कंपनी इशू, उसमें से कितने शेयर इशू करे कंपनी ने, 1,000, यानी 10,000 की परमिशन थी कंपनी को, लेकिन अभी तो कंपनी ने सिर्फ मात्र कितने शेयर इशू करे बच्चों, सिर्फ 1,000, और कंपनी ने अपना 10 वाला शेयर बाजार में 10 रुपए में ही बेचा है, यानी कि इशूड एट पार है, इशूड एट पार है। कंपनी ने कहा भाई ऐसा है, सुनो मेरी बात, आप सारे पैसे इकट्ठे मत दो 10 रुपए, आप कहो ऐसा 4 रुपए एप्लीकेशन पे दे दो, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, और 1 रुपया सेकंड एंड फाइनल कॉल पे दे दो। बच्चों फटाफट 8 एंट्रियां बनाना जरा बच्चों 8 एंट्रियां, और बना करके ओके नर, ओके बच्चों अब इधर सुनो मेरी बात, ठीक है बेटा, ओके डन। अब इधर सुनो बच्चों मेरी बात, आपने कहा सर एंट्रियां बन गई हमारी 8, बेटा एप्लीकेशन पे पैसे आ गए होंगे 1,000 शेयर पे 4 एंट्री आपके सामने है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के केस में मैंने बताया आपको पहली एंट्री बैंक वाली होती है, अलॉटमेंट के केस में या फर्स्ट या सेकेंड कॉल, बाकी सभी के केस में पहली एंट्री नॉन बैंक होती है। अलॉटमेंट में क्या बनी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल के केस में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एवरी टाइम सेकेंड एंट्री विल बी द बैंक बैंकिंग एंट्री, बट इन एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री विल बी द बैंकिंग एंट्री। ओके फाइन। 8 एंट्रियां बनाने के बाद में कंपनी कहती है कि शेयर इश्यू एक्सपेंस आ रहे हैं सर हमारे 1,000 रुपए के। बच्चों कर लोगे, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है जी, ये भी हो गया, ये एंट्री नंबर हो गई आपकी 9, और 50 शेयर्स वर इश्यू टू द प्रमोटर्स, 50 शेयर्स वर इश्यूड टू द प्रमोटर्स। कंपनी के संचालक 50 शेयर, एक शेयर कितने का बच्चों, 10 रुपए का, तो 50 शेयर्स कितने के हो गए बेटे, 500 रुपए के, फ्री में दे दिए प्रमोटर्स को। बच्चों एंट्री बता रखी है अभी आपको, अभी बताई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लो जी, ये 500 रुपए की ये भी आपके शेयर्स इशू हो गए हैं। आ गई बच्चों सबको मेरी बात समझ में, डन है यहां तक, ये आपके शेयर्स इशू हो गए हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इशू ऑफ शेयर्स एट पार, कि शेयर जितने वाला है उतने में ही इशू किया जाएगा। अब इस केस में आप देखो तो कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल 10,000 शेयर्स की थी, ये देखो बेटा बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन देखो, 10,000 शेयर्स की थी, इशू कितने करें उसमें से, इशू करें सर 1,000 आम जनता को, 1,000 आम जनता को, और 50 शेयर्स प्रमोटर्स को, तो टोटल कितने इशू हो गए बच्चों, 1,050। वो जो 1,000 शेयर्स हैं, कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड, हां जी फिल करो मेरी बात को, कंप्लीट करो, सब्सक्राइब्ड एंड आगे,
सब्सक्राइब्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस. फुली पेड. वेरी गुड. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. यस, वेरी गुड. और जो 50 शेयर्स हैं, कंप्लीट करो मेरे सेंटेंस को. सब्सक्राइब्ड एंड बोल के बता दो. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. वो भी फुली पेड. तो बेटा 1050 पूरे के पूरे क्या कैटेगरी है? सर एक ही कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. और इशूड शेयर्स भी कितने हैं? इशूड भी 1050 के हिसाब से हैं. लोगों ने सब्सक्राइब भी कितना किया है? लोगों ने सब्सक्राइब भी 1050 के हिसाब से किया है. इसका मतलब इशूड और सब्सक्राइब्ड में भी डिफरेंस नहीं है. बेटा बात समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. जितने इशूड हैं उतने ही सब्सक्राइब्ड हैं, कम नहीं है. अगर कम होते हैं तो डिफरेंट होते हैं, इशूड ज्यादा सब्सक्राइब्ड कम. पर अगर बराबर ही हैं तो इशूड भी 1050 शेयर्स हैं, लोगों ने सब्सक्राइब भी 1050 शेयर्स करे हैं, तो बच्चों क्यों ना फिर एक ही लाइन में लिख दिया जाए. यहां जैसे कि लिख दिया है, क्या लिख दिया है बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. कितने शेयर्स? 1050 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. तो कितनी होगी बच्चों ये कैपिटल? 10500. 10,500. और मैंने क्या समझाया था, यहां से जब अमाउंट निकलता है तो ये ऊपर कहां बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेड के अंदर नोट नंबर 1 के अंदर यहां पर फिट हो जाएगा 10,500. और बस बात खत्म. करंट ईयर में इसको लिख देंगे, प्रीवियस ईयर का खाना कॉलम ब्लैंक रह जाएगा. तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, इशू ऑफ